बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं क्लास वन से लेकर ट्वेल्थ तक में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बिहार बोर्ड ने वार्षिक कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। और इस वार्षिक कैलेंडर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप वार्षिक कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वार्षिक कैलेंडर में क्या क्या जानकारी दिया रहेगा। इस वार्षिक कैलेंडर में मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा का डेट रूटीन भी दिया गया है, और मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा इसका भी डेट दिया गया है वार्षिक कैलेंडर में। और इसके साथ साथ 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन कब से होगा, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब जारी होगा, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा फॉर्म कब से भराएगा, डम्मी एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब जारी होगा, और 11th में नामांकन कब से होगा, ये सारी जानकारी की तिथि इस वार्षिक कैलेंडर में दिया गया है। यानी अब आप सभी को पहले से ही पता होगा कि कौन सा काम कब होगा। और हाँ, इस वार्षिक कैलेंडर को हर साल दिसंबर के माह में जारी किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि आप लोग इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। वार्षिक कैलेंडर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है ए आर कैरियर पॉइंट। जैसे ही आप ARCarrierPoint लिखकर सर्च कीजिएगा तो ARCarrierPoint का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर BSB अपडेट का एक सेक्शन बना हुआ है। देखिए इसी पे आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम रूटीन 2023 इसी पे आपको क्लिक करना है। मैट्रिक और इंटर वाले दोनों इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। मैट्रिक रूटीन डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल गया है। डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी फाइल में देखना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं वार्षिक कैलेंडर डाउनलोड हो गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी, और इंटर का फाइनल बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, और मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, और इसी तरह के बिहार बोर्ड की अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।